झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ अजय जी बात करें यहां से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसाला में आपने जीरे में काफी अच्छी तेजी बताई थी कि जीरे में जो तेजी है लगातार जीरे में आने वाले समय में तेजी पकड़ता हुआ हम देखेंगे। आपने जनवरी फरवरी बता दिया था कि जीरे के लिए काफी शानदार रहेंगे। हम यहाँ से देख रहे हैं कि जीरा लगातार 16,000 के बाद अब देख रहे हैं आज 19,000 के भी ऊपर है और 20,000 के बेहद करीब है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या फरवरी एंड होते होते जीरा 20,000 के भी पार चला जाएगा? देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है जीरा अगर हम मार्च वायदा देखेंगे तो आज का हाई है 950 का जी। 50 रुपया मार्च तक मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में ही तोड़ देगा ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 तारीख से 12-13 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में जबरदस्त तेजी मसालों में बनेगी और ऐसा ही कुछ हाल हम देख रहे हैं कि पिछले 12-15 दिनों में हमने जबरदस्त तेजी देखी है। बट ये अभी भी जो रैली है ये 50% ही हुई है। आप ये देखिए इस बार स्विंग कमजोर है हमारी, मौसम की वजह से इस बार इल्ड में भी ड्रॉप आने की उम्मीद है, पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है, एक्सपोर्ट की डिमांड अब धीरे धीरे इंक्वायरी आने लग गई है, लोगों को अब फील होने लग गया है कि ये रैली में हम छूट चुके हैं जो हम मंदी मंदी सोच रहे थे, इनकी बाइंग वापस आना चालू हो चुकी है। तो सारे ही फैक्टर की अगर हम बात करें तो जीरे और धनिए के लिए जबरदस्त तेजी का माहौल बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम लेवल्स की बात करें तो पहले हमने कहा भी था कि हमारे जो नए पुराने रिवाइज टारगेट थे वो 21,500 से 22,000 का लेवल हम जीरे में देख रहे थे। बट अब हमें लगता है इसको रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि जो लेवल्स और जो पोजिशनिंग है वो और ज्यादा वर्स होते जा रही है। जो हमें लगता है जीरे में मार्च में नया माल आने के बाद प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक मिल सकता है, बट उसके बाद जो मार्केट में तेजी आएगी वो 25,000 तक का भी लेवल जीरा दिखा देगा। वहीं धनिए में भी हम ऐसा ही सीनरी देखेंगे। बट पहले हम जीरे की जब बात करते हैं तो एक्सपोर्ट डिमांड और कुछ हमने देखा सीरिया तुर्की की भी बातें हो रही है, बट वहां का जो प्रोडक्शन साइज है वो मार्केट की डिमांड को पूरा मैच नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में जीरा बहुत तेज है। इनिशियल टारगेट मार्च तक का 21,500 से 22,000 है। उसके बाद नए अराइवल्स की वजह से हो सकता है प्राइसेस में एक प्रेशर क्रिएट हो जाए, लेकिन उस प्रेशर में एक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जो जुलाई अगस्त तक आपको 25,000 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा जी। यानी कि जीरे में कमाने की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज निवेशकों को अभी भी पहले भी मिल चुकी है और आगे भी मिलती रहेंगी। जुलाई अगस्त तक जीरे काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस दिलाता रहेगा, काफी अच्छा रिटर्न देता रहेगा। 25,000 तक के टारगेट्स जीरे में देखने को मिल सकते हैं। ये से जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में हमने पहले देखा था कि किसी को उम्मीद नहीं लग रही थी कि हल्दी काफी शानदार तेजी दिखा देगी, क्योंकि जो क्रॉप थी ठीक ठाक थी और जो अवेलेबिलिटी थी वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही थी और एक्सपोर्ट डिमांड भी ऐसा कुछ थी नहीं जैसे कि पहले आपने बताया था। लेकिन उसके बाद हमने आपसे ही जाना कि जो हल्दी के जो क्रॉप हैं वो बारिश की वजह से डैमेज भी हुई और जिसकी वजह से अब हल्दी में तेजी आती हुई नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है, हल्दी ने जो ये जो यूटर्न लिया है तो क्या ये यहाँ से हल्दी भी और अच्छा रिटर्न देती नजर आएगी साल 2022 में? देखिए पूरे मसाले में मैं काफी जबरदस्त तेजी की बात कर रहा था और डेफिनेटली जीरा धनिया में तो मैं काफी टाइम से बुलिश था जी। बट कैरी ओवर स्टॉक को देखते हुए हल्दी में ऐसी तेजी नहीं समझ में आ रही थी। हाँ ये जरूर था कि इस बार डैमेजेस हुई है वो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी, बट इस हद तक कर सकती है ये हमारे भी मतलब प्रीव्यू में नहीं था। हमारी उम्मीद ये थी कि अगर जो डैमेजेस भी हुए हैं इसके साथ हम उम्मीद कर रहे थे कि 10.5 का भाव, 10 का भी भाव आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट जिस वॉल्यूम से मार्केट ने पिकअप किया है, क्योंकि देखिए कोई भी क्रॉप अगर सामने दिखती है तो उसका आकलन अच्छे से किया जा सकता है, बट हल्दी जमीन के बाहर जब निकलेगी तभी हमें एक्चुअलिटी पता चलेगी। तो टाइमिंग डेफिनेटली लेवल्स जो हम टेक्निकली देखते हैं वो ब्रीच हुए हैं, जिसको देखते हुए 12,500-12,400 के लेवल दिखते हैं। बट फ्रेंकली जो फंडामेंटल साइड है वो क्रॉप का पूरा आने के बाद ही समझ में आएगा कि मार्केट में क्या बैलेंस शीट और क्या स्टॉक टू यूज रेशियो है, क्योंकि हम अभी 3-4 सालों से देख रहे थे कि कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा था, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और डिमांड में जो हमने 2020 के अंदर तेजी देखी थी वैसी डिमांड 2021 में ज्यादा दिखाई नहीं थी। नो डाउट अब फिर से हमने देखा है कि कोविड को चलते हमने एज ए एंटीबायोटिक सभी जगह पे डिमांड बढ़ती हुई देखी है। बट फ्रेंकली जितना तेज मैं जीरा और धनिया में समझता हूँ उतना हल्दी में
रैली मिस आउट हुई है जरूर, बट मुझे लगता है कि 12,500 12,400 वर्स्ट टू वर्स्ट ये अगर हम जून तक देख पाए तो देख पाए, बट जीरे में हल्दी में मुझे ज्यादा करंट लेवल से फ्रूटफुलनेस नहीं लग रहा जितना मैं धनिया और जीरे में तेजी रख रहा हूँ। तो हल्दी में थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। टेक्निकल ठीक है, लेवल्स है कि जब तक 10,500 10,600 के ऊपर मेंटेन है, 11,500 12 ये लेवल दिख जाए, बट फंडामेंटल साइड जब तक क्लैरिटी नहीं है बैलेंस शीट की, मैं बेटर वेट करना पसंद करूंगा। जी ये सर जी, बात करने पर धनिया की, तो धनिया में भी आप पहले से ही काफ़ी बुलिश भी रहे हैं, जैसे कि आपने अभी भी बताया कि धनिया और जीरे में आप हमेशा से पहले से बुलिश रहे हैं, तो क्या धनिया के भी लेवल्स कुछ रिवाइज किए जा चुके हैं या फिर धनिया में पहले वाले लेवल्स अभी देखने को मिलेंगे? पिछले साल मार्च में मैं कुछ सेमिनार में गया था कुछ एसोसिएशन के, तब धनिया के भाव 5,600 से 5,800 के चल रहे थे। तब हमारी टीम ने ARTK मेथड से, जो अल्टरनेट रिसर्च टेक्निक्स है, जिसके मेथड से हमने निकाला था टारगेट, जब हमने रखा था कि धनिया 12,500 तक का लेवल दिखा सकता है, तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 10,000 के ऊपर अच्छे से मार्केट ट्रेड कर रहा है, और यही उम्मीद है कि फरवरी एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक हम 12,500 पहुंच जाएंगे। लेकिन अब जैसे आप भी बोल रहे हो कि रिवाइज करना है, तो डेफिनेटली जिस ढंग से फंडामेंटल्स में जो चेंजेस आए हैं, हमें लगता है यहाँ पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है काउंटर पे। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि हमारे जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को अगर मर्ज करके हम देखते हैं, तो 18,500 तक का भी लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। देखिए रोमानिया बल्गेरिया का अब तक मार्केट में माल चल रहा था, बट अभी भी अगर हम देखें तो जो क्वांटिटी है वो पूरे विश्व के लिए पर्याप्त नहीं रहेगी। सेकेंडली अगर हम धनिया की बात करें तो धीरे धीरे अब डोमेस्टिक पाइपलाइन भी जो खाली है वहां पे रिफिलिंग होना चालू हो चुका है, एक्सपोर्ट में भी डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बट अभी भी ऑर्निकॉन का जो कंसर्न है, या शिपमेंट्स की बात करें तो मैंने कुछ मिडिल ईस्ट के ट्रेडर से बात की थी, वो बता रहे थे कि $900 का जो कॉस्ट लगता था वो अब बढ़कर $3,200 का लग रहा है। तो जब तक यहाँ पे सप्लाई साइड सिचुएशन नहीं होती है तब तक डिमांड थोड़ा सा स्लगिशनेस है, बट हाँ जो डोमेस्टिक में बैलेंस शीट टाइट दिखा रहे हैं, तो मैं 12,500 अभी भी मार्च फर्स्ट वीक तक का टारगेट लेके चलता हूँ। इसके बाद जैसे जैसे अराइवल आएगा मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी बढ़ेगी, बट हाँ अगर मैं जून जुलाई तक की अगर बात कर रहा हूँ तो रिविजन होता है टारगेट में, जो 18,000 से 18,500 का लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। जी तो यानी कि ओवरऑल रुझान तीनों ही मसाले में, चाहे धनिया हो, जीरा हो, चाहे हल्दी हो, तीनों में ही तेजी वाला ही रहेगा। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।